bismillahirrahmanirrahim alaikum. good morning students hope you are safe at your homes 10th class is, you know today inshallah we will start up our unit uh, unit 2 and we will do exercise 2.1 today in this exercise the first thing the standard form of quadratic equine what is the standard form हेयर वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वारटिक इक्वाइन विच इज़ एक्स केय प्लस बी एक्स प्लस सी कि आपके पास क्वारेटिक इक्वाइन इस फॉर्म में होती है ठीक है क्वारड्रेटिक इट्स मीन हैविंग पावर इक्व टू टू हाईस्ट पावर जो डिग्री होगी इक्वाइन की वो टू के इक्वल होगी दिस इज द क्वारटिक इक्वाइन एंड हेयर वी हैव द क्वारडरेटिक फार्मूला कॉर्डरेटिक फार्मूला क्या होता है आपके पास एक्स इक्व टू माइनस वी प्लस माइनस एंड रूट बीस के माइनस फोर ए सी बाई टू है हम इस फार्मूला को क्यों यूज करते हैं द क्वाड्रेटिक फार्मूला अलाउस यू टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन इफ यू खांड फैक्टर इट एंड द सेकेंड पॉइंट इन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज वर्ड्स अंडर द रेडिकल इट्स कॉल डिस्क्रिमिनेंट कि देखें जो आपके पास इस फार्मूला के अंदर जो वैल्यू रूट के अंदर आ जाती है बीस की माइनस फोर ए सी इस पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं फर्स्ट थिंग कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर ऐसी इक्वेशन जिसके फैक्टर ना बन सकते हो हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं सेकेंडली कि इस फार्मूला के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो रेडिकल साइन के अंदर होता है जो उसके रूट के अंदर होता है बीस के माइनस फोर ए सी इस पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं ठीक है अब उसके बाद हमने ये देखना है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने का ये प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप में ये है कि हम इक्वाइन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होती है उससे रिलेट करते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देखिए आपके पास बन रही थी बी uh, a एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इट्स मीन कि एक्स केयर वाली जो वैल्यू होती है वो ए होती है एक्स के साथ जो वैल्यू होगी बी और लास्ट आपके पास कांस्टेंट सी आ जाएगी ठीक है यहाँ हम क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे कि इसको फर्स्ट स्टेप में सेपरेट करेंगे ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे अब एक क्विंग आपको दी हुई है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन एक्व टू वन बी एक टू माइनस टू एंड सी इक्व टू फिफ्टीन एंड वट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट डिस्क्रिमिनेंट इज़ बी स्केयर माइनस फोर ए सी दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रीमिनेंट सो हमने क्या किया डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा और जो जो वैल्यूज़ थी हमने उनको डाल दिया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा क्लियर इन दिस वे वी कैन फाइंड डिस्क्रीमिनेंट थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट को और डिस्कस कर देते हैं कि डिस्क्रिमिनेट हमें इस कॉर्डिनेटिकव फार्मूला से मिलता है जो कि हमारे पास बीस के माइनस फोर ए सी है और डिस्क्रीमिनेंट को किस से हम रिप्रजेंट कर सकते हैं डेल्टा साइन से हेयर वी हैव अ साइन इस साइन को हम किस कैसे प्रोनाउंस करते हैं डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट को हम सिम्बोलिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो डेल्टा से करते हैं और ये आपके पास ये फार्मूला आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइन करने का आपको फार्मूला आ गया मीन्स कि बी स्केयर माइनस फोर ए सी यहाँ पर देखें बी ए सी इन्वॉल्व हो रहे हैं ये हम कॉर्ड एक से लेके पुट करेंगे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा क्लियर सेकेंड आपके पास टॉपिक आ जाते हैं नेचर ऑफ द रूट नेचर ऑफ़ द रूट हमारे पास थ्री बेसिस पे होती हैं थ्री केस हमारे पास आते हैं डिस्क्रिमिनेंट की बेस पे हम नेचर फाइंड करते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए ग्रेटर देन ज़ीरो फिर हमने बताना होता है कि उस जो आपके पास रूट है उनकी नेचर क्या होगी सेकंड केस क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्व टू ज़ीरो आ जाते फिर हमने बताना है कि रूट की नेचर क्या है एंड थर्ड केस कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो मींस के नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर हम बताते हैं कि ये इस रूट की क्या नेचर है फ़र्स्ट केस में ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास जो रूट्स बनेंगे उसकी जो नेचर बनेगी वो आपके पास रियल और डिस्टिंक आएंगे अब उसमें क्या होगा या तो आपके पास नंबर परफेक्ट स्केयर होगा या फिर रेशनल होगा समाइम परफेक्ट स्क्ययर जब परफेक्ट स्केयर होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे रियल एंड रेशनल कहेंगे अगर लेट्स सपोज आपके पास सिक्सटीन आंसर आए नाइन आंसर आए ट्वेंटी फाइव आंसर आए आल दीज आर परफेक्ट स्र सो वी कैन से दैट द रूट्स आर रियल एंड रेशनल क्लियर एंड इन केस ऑफ नॉन परफेक्ट स्र लाइक फाइव फाइफ is ग्रेटर देन ज़ीरो बट इट is नॉट अ परफेक्ट square सो वी कैन say दैट द रूट नेचर ऑफ द रूट्स आर real एंड irrational क्लियर कि अगर परफेक्ट स्केयर है तो हम कहेंगे रियल तो है ही है ग्रेटर देन जीरो आगे रियल होगा अब हमने बताने कि रेशनल है ये इरेशनल, तो रेशनल और इ किस बेस पर बताएंगे कि अगर परफेक्ट स्केयर है सो इट इज़ रेशनल अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो क्या होगा इ अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेट का आंसर जीरो की इक्वल आया तो फिर आपके पास सिंपली रूट्स की नेचर क्या होगी आप लिख देंगे कि नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड इन केस डिस्क्रिमिनेट इज लेस देन जीरो इट्स मीन वी हैव आंसर इन नेगेटिव फॉर्म सो द आर नेचर ऑफ द रूट्स आर कंप्लेक्स एंड डिस्टिंग ठीक है आपके पास कंप्लेक्स आ जाएंगी फिर अब उसके बाद देखते हैं कि जरा सॉल्व करके चेक करते हैं कि यानी क्विग के किस टाइप के रूट बनते हैं फ़र्स्ट देखें आपके पास इक्वेशन एक्स स्कीयर माइनस फाइव एक्स माइनस फोटीन इक्स टू जीरो पहले आप क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वही बीस केयर माइनस फोर है इसी से आपके पास आंसर एटी वन आएगा अब एटी वन आपके पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है फर्स्ट केस आपके पास आ रहा है फर्स्ट केस में आपके पास एटी वन इज़ इट परफेक्ट स्क्वायर एटी वन क्या परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है आपके पास सो आप क्या कहेंगे एटी वन किसके नाइन का परफेक्ट कह रहे हैं ना तो आप कहेंगे कि आपके पास नेचर क्या है द नेचर ऑफ़ द रूट्स क्या है रियल रैशनल एंड अन एकवल इक्वल तब लिखते हैं जब इक्वल टू जीरो आए आपके पास ये आंसर ये फर्स्ट केस हो गया सेकंड केस में देखते हैं इक्वाइन आपको दी हुई है टू एक्स स्र प्लस एक्स माइनस फाइव इक्व टू जीरो हमने बताना है नेचर बतानी है ओब्वियसली नेचर के लिए पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है प्रॉपर फार्मूला लिखेंगे बीस स्यर माइनस फोर ए सी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फोर्टी वन आया इट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो बट फोर्टी वन इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर सो द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल नॉट परफेक्ट स्केयर ओबियसली इरेशनल नॉट इक्व टू जीरो ऑब्वियसली अनईक्वल क्लियर एंड इन थर्ड केस वन डिस्क्रीमिनेट इक्व टू ज़ीरो सो वी कैन सेट द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल रेशनल एंड एकवल इक्वल टू ज़ीरो है तो आपके पास इक्वल तो होगा ही रियल भी होगा अब साथ हम इसमें क्या लगा देंगे रेशनल लगा देंगे थर्ड केस में देखते हैं कि आपके पास थर्ड केस में क्या होता है कि डिस्क्रीमिनेट ओके थर्ड केस इक्व टू ज़ीरो एंड लास्ट केस वन डिस्क्रीमिनेट इज लेस देन ठीक है जीरो आपके पास लेस देन जीरो आ रहा है मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है अब क्या होगा कि इसकी सबसे पहले इसकी नेचर इमेजनरी में आ जाएगा ठीक है नेगेटिव है तो वो किस में इसकी नेचर किस में आएगी इमेजनरी में अब आप इन के थ्रू क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री से कोई एक पार्ट को डिस्कस करते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वाइ आर इक्वल हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल आ सकें के को कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन दी हुई है ऑब्वियसली वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑब्वियसली हेयर वी कंपेयर टू फाइंड ए बी एंड सी कंपेयर बोथ दी इक्वेशन हमारे पास ए की वैल्यू ट्वेल्व आएगी बी के वैल्यू के एंड सी थ्री अब हमने फाइंड करना है के को फाइंड करना है वही डिस्क्रिमिनेंट से लगाएंगे इक्वल टू जीरो आर इक्वल इक्वल कब होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाते हैं जीरो के इक्वल बी स्क्र माइनस फोर ए सी लगाएं के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सो इफ के इक्वल टू ट्वेल्व देन द रूट्स आर इक्वल ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर फोर में हमें दिया हुआ है डिटमाइन वेदर एक्स क्योर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्व टू ज़ीरो हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड रूट्स कि हमने बताना है कि अगर रूट आपके पास रियल आ रहे हैं मीन्स ग्रेटर देन जीरो आ रहे हैं तो फिर आपने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम उसके उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्लियर पहले हमने रियल के लिए क्या ऑब्वियसली क्या करना है बीस केयर माइनस फोर ए सी फाइन करना है हमने गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाली डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बीस केयर माइनस फोर ए सी लिखा वैल्यूज को पुट किया तो ऑब्वियसली हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ गया आपके पास क्या है रूट्स रियल आ गए आपके पास परफेक्ट स्क्र नहीं है <coughs> रियल है बट इेशनल है अब आप क्या करेंगे इस इक्वाइन को सॉल्व करेंगे इक्वेशन क्या दी हुई है एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव अब देखिए फार्मूला तो बन नहीं रहा फैक्टर भी नहीं बन रहे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे ठीक है एक्स को प्रॉपर आपने एक्स की वैल्यू ले आनी है क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दिया हुआ है फॉर वट वैल्यू ऑफ़ के द रूट्स ऑफ इक्वाइन आर रियल हमने क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों केसेज के लिए रियल के लिए भी और इमेजनरी के लिए भी अब रियल के लिए आपको पता है कि रियल के लिए डिस्क्रिमिनेट क्या होता है ग्रेटर देन ज़ीरो और इमेजनरी के लिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है लेस देन जीरो फर्स्ट केस करते हैं आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी कंपेयर करके फर्स्ट केस क्या है इफ़ रूट्स आर रियल देन बीस के माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन जीरो ऑब्वियसली रियल है तो ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज़ को पुट करें तो नाइन माइनस एट के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा माइनस एट के आप इसको इधर ले आए क्या हो जाएगा प्लस एट क्या हो जाएगा हमें के चाहिए एट को दोनों साइड डिवाइड करें अब आपके पास नाइन बाई एट ग्रेटर देन के आ रहा है मीन्स के लेस है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना क्या इज़ लेस देन और इक्व टू नाइन बाई एट ये फर्स्ट केस हो गया अब इमेजनरी के लिए क्या होगा लेस देन जीरो जीरो को ग्रेटर कंसीडर करेंगे हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास ये कि के आपके पास क्या है ग्रेटर है किस से नाइन बाई एट से हमने इसको लिख दिया आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा कि जब दोनों केस में रियल केस में आपके पास के की वैल्यू आपके पास ये आगी के इज़ लेस इक्व टू नाइन बाई एट बाई एट और अमेजनरी uh, केस के लिए भी आपके पास के की वैल्यू आ गई इज़ इट क्लियर थैंक यू सो मच